हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे कुकी एक्स वाई जेड फूड चैनल पर आपका स्वागत है। मैंने आज कटहल की नई रेसिपी बनाऊंगी जो आप खाकर बार बार खाना चाहेंगे। मैंने कटहल को कट कर लिया है, छोटे छोटे पीस में कट करके इसे धोकर कुकर में 1 से 2 सीटी लगाकर मैं उबाल ली हूँ। फ्रेंड्स, मेरा कटहल काफी मुलायम था, 1.5 किलो का कटहल था, तो इसमें बीज टाइट नहीं हुआ है। अगर आप बड़े कटहल ले रहे हैं तो बीज के पीछे का भाग इसको निकाल दीजिएगा। अभी देखिए मेरा सॉफ्ट है, ये फट जा रहा है। नहीं फ्रेंड्स, ये फटता नहीं है और बीज भी काफी मुलायम है, देख पा रहे होंगे आप। नहीं तो ये वाला भाग इसमें जो रहता है, इसको बीज का पीछे का छिलका ये निकाल दीजिएगा, ये हार्ड होता है। हम देख लेते हैं इसमें मटेरियल मसाला क्या क्या डालेंगे। अदरक लहसुन मिर्ची मैंने कूट करके बारीक लिया है, 1 टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टी स्पून धनिया पाउडर, 1 टी स्पून गरम मसाला, काली मिर्च पाउडर 1/2 टी स्पून, अजवाइन 1 टेबल स्पून, चाट मसाला 1/2 टेबल स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च, इसे मैं कलर देने के लिए डाल रही हूँ क्योंकि इसमें मैं हरी मिर्च डाली हूँ, नमक स्वाद के अनुसार। फ्रेंड्स, मैं जो कटहल उबाल कर रखी थी ठंडा होने के बाद मैंने मैश कर लिया है। अब इसमें सारे मसाले जो प्लेट में रखे थे डाल लेती हूँ और इसमें थोड़ा सा आटा डालते हैं। इसमें फ्रेंड्स ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, हमारा कटहल जितना आटा अब्जॉर्ब कर पाएगा उतना आटा हम इसमें मस लेंगे। इसका सख्त आटा लगाएंगे गूथ कर हम, जैसे हम चपाती के लिए आटा लगाते हैं उसी तरीके से इसका डो बना लूंगी। फ्रेंड्स, आटा मसलने के बाद एक बार थोड़ा सा हम पानी लगा लेते हैं। गूथने के बाद थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, आप घी भी लगा सकते हैं। हमारा डो लग के तैयार हो गया है, इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे ताकि मेरा डो सेट हो जाए। हम डो को थोड़ा सा तोड़ लेते हैं, इसमें से हम छोटे छोटे लोई बना लेंगे पेड़े की तरह। हमने छोटे छोटे इसे लोई बना के इसके पेड़े बना लिए हैं। सूखे आटे में डिप करते हैं, आटे को झाड़ देते हैं। इसे हम पूरी साइज के गोलाकार में बेल लेते हैं। बहुत ज्यादा मोटा, बहुत ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए, आप देख पा रहे होंगे इतनी मोटाई में हमें बेलना है। इसे पेड़े की पूरी बेल कर रख लेती हूँ। थोड़ा सा आटा इसमें डालकर देखते हैं, हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है, हमने आटा जो डाला ऊपर आ गया है। इसे पूरी को डालते हैं तलने के लिए। इसे डालने के बाद 30 सेकंड तक रुके रहेंगे, फिर इसको हम पौने की सहायता से चलाएंगे, हल्का से घुमाएंगे। इसे सुनहरा दोनों साइड से सुनहरा होने तक हम तलेंगे अच्छे से। हमारी पूरी दोनों तरफ से सुनहरी हो चुकी है फ्रेंड्स, मैं इसे निकालती हूँ। थोड़ी देर कढ़ाई के बगल में इसके टप करेंगे जिस तरह का ऑयल कढ़ाई में चला जाए। इसी प्रकार मैंने सारी पूरियों को तल लेती हूँ। फ्रेंड्स, एक कटहल की पूरी आप किसी चटनी, किसी सॉस, दही के साथ आप सर्व कर सकते हैं। ये बड़ी
टेस्टी पूड़ी है फ्रेंड्स, एक बार जरूर बना के खाइए। पूड़ी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों फैमिली में शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं आगे वीडियो में।